गाना कह रहा है क्या? ओ महेश दीक्षित जी आजाद मार्ग आतो से 51 रुपए आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। गाना कह रहा है क्या? क्या कह रहा है गाना? अरे बसुरिया समझी के, अरे बसुरिया खुसरो बाजी प्रेम की क्यों तागा सब तन खाइयो, अरे चुन चुन खाइयो मास, अरे दो नैना ना खाइयो जामे पिया मिलन किया। अरे बसुरिया समाजी के मुरलिया समाजी के मुझे तुम डालो, मुरलिया समाजी के मुझे तुम डालो, एक बार होठों से अपने लगा लो ना। अरे यही बात पहले भी तुमसे कही थी, यही बात पहले भी तुमसे कही थी, अरे यही बात आज फिर दोहरा रही हूँ। अरे तुम्हें देखती हूँ तो लगता है ऐसे कि जैसे युगों बता रहे। अरे वीर करण वो कैसा था? कैसा था बड़े भैया? बड़ा वीर दानी, बड़ा वीर दानी, वो कुंती लला था। अरे भैया बड़े भैया छुन्नू भैया जी टेंट हाउस, देखिए हम लोग इतनी छाया में अगर गा रहे हैं तो ये इन्हीं की देन है। एक बार जोरदार ताली हमारे छुन्नू भैया के यहाँ बजा दें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बेहतरीन व्यवस्था छुन्नू भैया। गाना कह रहा है बड़ा वीर दानी वो कुंती लला था, बड़ा
वीरदानी वो कुंती ललाता, अरे भला इस जमाने में लला कौन होगा, कौन होगा, कौन होगा, कौन होगा। अरे मेरे ख्याल से वो, मेरे ख्याल से वो, अरे इतना भला था, मेरे ख्याल से वो, अरे इतना भला था, भला इस जमाने में भला कौन हो। मेरे ख्याल से अरे प्यारी सी गुड़िया सिद्धि सिंह, इस लक्ष्मी की तरफ से लक्ष्मी आई हमारे लिए, और बिल्कुल सही समय पे आई, आशीर्वाद की कामना कर रहा हूँ और माँ भाई से निवेदन कर रहा हूँ कि इस बिटिया को इतना योग बनाए कि अपने घर का ही नहीं, अपने गांव का ही नहीं, अपने क्षेत्र का ही नहीं, बल्कि पूरे भारतवर्ष का नाम रोशन करे, यही निवेदन कर रहा हूँ। इसकी तरफ से 200 रुपए आए हैं, हालांकि देना हमको चाहिए इसको, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए गाना कह रहा है बड़े भैया, जिस लाल को माँ, गगन भैया, अरे जिस लाल को माँ हृदय से लगाती है, छोटे बच्चे को हमेशा माँ अपने कलेजे से लगाती है, बिल्कुल बेटा बिल्कुल, जिस लाल को माँ अरे हृदय से लगाती है, अरे उस लाल को माँ जल में बहाती है, अचकरण को जल में बहा दिया गया, और क्षत्रिय कुल का, जिसे छत्री कहा जाना, जिसको छत्री कहा जाना चाहिए था, अरे क्षत्रिय कुल का लाल तो कहाना था, अरे सूद पुत्र उसी को ये दुनिया बताती है, जिस बेबसी में, किसी ने कहा ये सूद पुत्र है, किसी ने कहा इसको स्थान न दिया जाए, हर जगह उसका अपमान किया गया, तो जिस बेबसी में अरे पलाता बेचारा, जिस बेबसी में अरे पलाता बेचारा, भला इस जमाने में पला कौन होगा। अरे मेरे ख्याल से वो, अरे इतना पलाता, अरे भला इस जमाने में भला कौन हो, सुने ऐसे नहीं, अरे मित्रता के खातिर पैर ठानता था, सिर्फ मित्रता के खातिर, बिल्कुल बेटा बिल्कुल, मित्रता के खातिर वो पैर ठानता था, एहसान को ही अपना धर्म मानता था, एक ही एहसान दुर्योधन ने किया था, उसको अपना मित्र बनाकर, उसी के दम पर मित्रता के ही बदले उसने अपनों से बैर ले लिया, अरे इस, अरे इसीलिए अपनों पे तीर तानता था, इसीलिए अपनों पे तीर तानता था, नहीं अनजान था सब जानता था, सब जानता था, बिल्कुल बिल्कुल। सूरदेव ने कह दिया, बेटा इंद्र तुझसे कवच और कुंडल मांगने आ रहे हैं, देना नहीं। कर्ण का पिताजी, मेरे दरवाजे जो भी मांगने आया है, कर्ण ने कभी मना नहीं किया, आज आज कैसे मना कर दूं। इंद्र देवता आए, कवच कुंडल मांगा, दे दिया कर्ण ने। अरे इंद्र ने कहा, कर्ण मांग लो, क्या मांगना चाहते हो। कर्ण ने कहा, इंद्रदेव जब तुम खुद मेरे यहाँ मांगने आए हो तो मैं तुमसे क्या मांगूंगा, जाइए आप, जाइए जाइए,
जाइए। अरे जान कर भी हर दम जो छलता रहा है, यहाँ लोग जान जाते हैं तो दूर हट जाते हैं कि छल कपट होने वाला है, लेकिन यहाँ अरे जान कर भी हर दम वो छलता रहा है। अरे भला इस जमाने में छला कौन होगा, कौन छला होगा, कौन होगा, कौन होगा, मेरे ख्याल से वो अरे इतना भला था, भला इस जमाने में भला कौन होगा। आखिरी बात दे रहा हूं सुने। अरे मित्रता की अपनी, अरे अपनी बड़े भैया, अरे मित्रता की अपनी कीमत चुकाई है, मित्रता की अरे कीमत चुकाई है, अरे शरारती इसीलिए जान गवाई है, मित्रता की कीमत चुकाई है बिल्कुल। और अरे मर कर भी जिसने की ऐसी कमाई है, लोग जिंदा में नहीं कर पाते, कर्ण ने मर के कर लिया, मरे कर भी जिसने, अरे मरे कर भी जिसने की ऐसी कमाई है, किशन ने हथेली पर चिता फिर बनाई है। अरे वाह किशन जी, वाह वाह। अंतिम समय है बड़े भैया, कर्ण मरना अवस्था में है, कन्हैया पहुंच गए, कन्हैया पहुंच गए, कन्हैया पहुंच गए, बोले कर्ण तुम सबको दान देते हो, आज मैं मांगने आया हूं, क्या दान नहीं दोगे? बोले प्रभु मेरे पास क्या है, अंतिम सांसें बची हैं। बोले है तुम्हारे पास एक सोने का दांत है, उसे आप दीजिए। कर्ण घायल अवस्था में है, उठना तो दूर है, वो अपने हाथ में पत्थर लेता है और वो दांत तोड़ता है, और वो दांत तोड़कर कन्हैया को देने लगता है। कन्हैया ने मना कर दिया, तू क्या सबको झूठा दान देता है, क्या सबको झूठा दान देता है? बोले प्रभु क्षमा। धनुष बाण उठाया और संधान कर दिया धरती पर, धरती से जल की धारा प्रवर्जित हो गई और उस धारा में धोकर दांत कन्हैया लाल को दे दिया। क्या भाव है, कन्हैया लाल को दे दिया। कन्हैया ने कहा वाह कर्ण वाह वाह, मांग ले, क्या मांगना चाहता है? आज पहली बार कर्ण कन्हैया से मांगा, कहा प्रभु मेरे मर जाने के बाद इस शरीर को उस स्थान पे जला देना जिस स्थान पे आज तक पाप ना हुआ हो, जला ना हो कोई। कन्हैया ने हर जगह दृष्टि दौड़ाई, कोई स्थान नहीं मिला, तो कन्हैया ने अपने बाएं हाथ पे कर्ण की चिता बना दी। चिता जब बना दी तो कहना पड़ा क्या, मर कर भी जिसने की ऐसी कमाई है, किशन ने हथेली पर चिता फिर बनाई है। एक लाइन और दे रहा हूं, अगर बात अच्छी लग जाए। अरे वो दिल जला इस तरह जला है, वो दिल जला इस अरे तरह जला है, भला इस जमाने में जला कौन होगा, कौन जला होगा, कौन होगा, कौन जला होगा, मेरे ख्याल से वो अरे इतना भला था, भला इस जमाने में भला कौन होगा।
ख्याल से वो अरे इतना पलाता भला इस जमाने में भला कौन होगा। जाओ बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साझवाद।